राज्य सरकार राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, मुफ्त में किताबें और दवाइयां भी देने की योजना है, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। किंतु कुछ स्कूलों के हेडमास्टर की लापरवाही के कारण सरकार की योजनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है, जिसके कारण बच्चों को न केवल सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, बल्कि सरकारी रुपये का जमकर दुरुपयोग भी किया जा रहा है। वर्तमान मामला मध्य विद्यालय हरदा का है। यहाँ का नज़ारा आपको आक्रोशित भी कर सकता है। दरअसल स्कूल के हेडमास्टर के निर्देश पर बच्चों को दी जाने वाली किताबें और दवाइयों को कचरा समझकर जला दिया गया। इसका जब विरोध किया गया तो हेडमास्टर बिदक गईं और मुखिया पति मनीष कुमार पर झूठा आरोप लगाने लगीं। जबकि रसोईया कर्मियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हेडमास्टर ने किताबों और दवाइयों को जलाने का निर्देश दिया था, इसीलिए उन लोगों ने जला दिया। उन लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा कि दवाइयां अभी एक्सपायर नहीं हुई हैं या फिर ये किताबें बच्चों की पढ़ाई के लिए है। दवाइयों में कृमि की दवाइयां, कैल्शियम की दवाइयां, आयरन टेबलेट थी जो 2024 में एक्सपायर होती, किंतु हेडमास्टर ने करीब लाखों की दवाइयां उससे पहले ही जला दिया। मीडिया का कैमरा चलने के बाद कुछ दवाइयों और किताबों को पुनः स्टोर में रखा गया, किंतु तब तक अधिकांश दवाइयां और किताबें जल चुकी थी और कुछ किताबों को बच्चों के बीच तब वितरण भी किया गया। पूछताछ के दरमियान हेडमास्टर और मुखिया पति के साथ साथ रसोईया कर्मियों ने जो कहा वो आपके सामने है। आप जब इन लोगों की बातें सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें हेडमास्टर ने कितनी बड़ी गलती की है। इसमें हेडमास्टर ने सरकार के लाखों का सामान जलाकर कितना बड़ा अपराध किया है। सिर्फ दवाई को जलाया गया है या फिर किताब वगैरह भी जला रहा है? अंदर पूरा किताब ही है, ये किताब या मार्कशीट बोले, इसको जो भी बोले, किताब तो नहीं है, मार्कशीट है। अच्छा। वो छात्र का फोटो भी उसमें चिपकना है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद प्रगति पत्र वर्ग संख्या, यानी कि सरकार जिस काम के लिए भेजती है दवाई या किताब, उसका सदुपयोग हो रहा है इस स्कूल में। सर वो तो देख ही रहे हैं आप कैसा दुरुपयोग हो रहा है। वो तो हम लोगों का पीछे घर पड़ता है, हमारे रिलेटिव लोग हैं, तो हमें पता चला तो मैं सोचा पहले बाहर से ही देख लूँ, हो सकता है स्कूल एक बैग में घुस जाऊँ, कहीं कोई आरोप लगाया जाए, इसलिए मैं वहाँ से पहले वीडियो बनाया हूँ। फिर स्कूल इन करते ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो जब आप सवाल करना शुरू किए तो क्या बोली मैम? मैम का कहना हुआ कि हम रखवा रहे हैं, हम अपना जगह पे रखवा रहे हैं। हम कहे मैडम किनसे आप रखवा रहे हैं ये बता दीजिए। ये रखवाने का जगह है दवाई को, तो वही बताएंगे। उसके बाद उल्टे मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, तुम पैसा का मांग करता है, तुमको पैसा नहीं दिए तो ऐसे तुम करता है। हमने कहा तो दवाई अगर जला रहा है कोई, इसमें पैसे की डिमांड हो सकती है क्या? बताइए, ये इस तरह के बोल रही है। आप तो मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया पति भी हैं आप, है ना? तो सबसे बड़ा बात है कि स्कूल में स्थिति बहुत गंभीर है। अभी जिस तरह से आप ये देख लिए, आप ये सामने दिखाइए क्या फेंका हुआ है, इसको जरा से दिखाइए ये क्या है, ये क्या है? ये तो भोजन है, ये वही भोजन है जो मिड डे मील बच्चों को पुलाव के रूप में दिया जाता है, खिचड़ी के रूप में दिया जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं। मेरे पास में ऐसा बहुत सारा वीडियो है जो कि आप देखिएगा तो बच्चों को खाने से बच्चे क्या बोलते हैं उसको, पोषित नहीं बल्कि कुपोषित हो जाएंगे। यानी कि जो भी चीज़ सरकार दे रही है बच्चों के लिए, तो ये स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण सब बर्बाद हो रहा है, और आप जब सवाल करते हैं तो आप पर आरोप लग जाता है। अभी बोला गया, अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो अभी हम लोग आए हैं एक दो मीडिया वाले, तो अभी मैम कहाँ हैं, चली गई? स्कूल में प्रधानाध्यापक है तो स्कूल में तो रहना उनका जिम्मेवारी बनता है। जिम्मेवारी, क्या नाम है उनका? ये नहीं, यानी लगभग 4 महीना पहले ही। कौन सा स्कूल है ये? मदन आदर्श मध्य विद्यालय हरदा। ये किताब के जगह पे दवाई है, और ये दवाई ऐसा दवाई कोई भी एक्सपायर नहीं है। एक्सपायर हो तो समझ में आता था वो किया जाए, अगर आप यहाँ जला रहे हैं, अगर एक्सपायर भी होता तो बगल में यहाँ बच्चे लोग हैं जो भी परिवार रहते हैं, ये देखिए कितना सुंदर दवाई है, और ये एक्सपायर 2024 में होगा, 17वां महीना 2024, और इसको यहाँ पे जलाया जा रहा है। ये देखिए बहुत सारा दवाई, ये देखिए सारा दवाई को दिखाइए। तो मैं यहाँ से ये सारा का वीडियो में बना चुका हूँ। कौन जला रही थी? ये प्रधानाध्यापक के आदेश पे जलाया जा रहा होगा, उनसे जब हम बात करने की कोशिश की। ये दवाई स्कूल में किस काम के लिए दिया जाता है? बच्चों को बांटने के लिए दिया जाता है, कृमि का दवाई है, कैल्शियम का दवाई है, तो बच्चों के लिए यूज के लिए ही होगा, और विशेष तो प्रधानाध्यापक बताएंगे कि वगैरह है। आप लोग अपने मन से जलाए थे कि मैडम बोली थी? मैडम बोला। तो इसमें तो ताला लगा हुआ है, तो ताला कौन खोला? मैडम ने खोल दिया। मैडम खोल के दिया, क्या बोला कि सबको जला दीजिए? तो मैडम को तो पहले से पता था ना कि उसमें दवाई है, किताब है,
आप लोग यहाँ कौन काम करते हैं? खाना बनाते हैं। अच्छा, आप लोग को मैडम सही में बोली थी कि नहीं, अपने मन से किए थे? सर, हम लोग घर से आए हैं। हाँ, बोला कि गेट खोल के खड़ा था, बोला कि सब कचरा सब जला दीजिए। हम लोग जला दिए। हम लोग तो सलाह बांटते हैं, मुखिया जी ऊपर चढ़ गया, फोटो लिया। अच्छा, मुखिया जी ऊपर से छत लिया, ऊपर से हम लोग वीडियो बना छत पर से फोटो लिया। सर की कचरा उचरा है, बोला कि नहीं, हम आ रहे थे, वीडियो बना के ले लिया। तो मैडम अभी बोल रही, क्या हम नहीं बोले हैं? गलत बात बोलता है, हम लोग अपना बचने के लिए सर बोलता है। स्कूल में हाँ, तो उसमें तो ताला लगा हुआ है, तो आप लोग को चाबी कहाँ से मिलेगा? अभी तो आप लोग गरीब आदमी है, आपका नाम ले रही है। मैडम मैडम का बचने के लिए यहाँ रसोईया पर थकता है, ताला लगा, हम कैसे खोलेंगे? चाबी तो उसी के पास है। तो ये देखिए, दवाई है, बच्चों का दवाई है। आप लोग बोलवो किए, हाँ, तो आप लोग तो मान लीजिए जो कहेगा वो मानना पड़ेगा ना। सर, हमरा के जे काम करल के वहन करबा। हां, हम लोग का सर बोलता है, ई सब सफा सफा पूरा सफा सफाई करते हैं। हम लोग बच्चा को खाना खिलाते हैं, प्लेट देते हैं, खाओ खाते हैं। जितना 10 बजे आते हो, जब बोलता है सफाई कर लेंगे, सब चीज सफाई करते हैं, बोलेगा कि जला दीजिए तो जला गया, नहीं तो नहीं जलाएंगे। और वो मैडम क्या बोलती है कि कभी आप लोग किए हैं, कभी बोलता है मुखिया खुद दे करवाया? नहीं, मुखिया का अच्छा, मैडम मैडम का जो अच्छा लगेगा, हम सब नहीं। आप लोग तो मैडम के अंदर काम करते हैं ना। मैडम बोलेगा कि ये सब सफाई करो, हम सब सफाई करते हैं, बच्चा को खिलाते हैं, बर्तन मलते हैं, कैसे खाना का हम, यानी कि जो वो कहती है उस हिसाब से कर लेते हैं। क्या करेंगे सर, यानी कि मिलता है सर, पता उसके हम 4 बजे तक रहते हैं, उसमें पेट भरेगा। कल किताब आया है, आज किताब बंटवा रहे हैं, कल किताब प्राप्त हुआ, आज हम किताब बंटवा रहे हैं। और वो यहाँ पैसा मांग कर किया था हमसे, और हम पैसा उसको नहीं देते, हम गलत करते ही नहीं, इसलिए हम पैसा नहीं देते हैं। इसके बाद हमारे मौका का फायदा उठाया वो। कौन पैसा मांगता है? मांगता है कि जो हमको दीजिए पैसा। कौन कौन? मुखिया का पति मनीष कुमार। और बार बार जो है बच्चे को कुछ ना कुछ करके जो है, अभी पढ़ाई हो रहा था जिस क्लास में, उसमें भी ये भगदड़ किया है, ये इससे अच्छा, बार उनका, बार उनका, सुनिए ना मनीष जी का, ये मनीष का जो है मनसा है कि पैसा वसूली करना। अच्छा, मनीष जी मनसा उसका पैसा वसूली करना। और ये मैडम जो है पैसा देने से कभी जो है तैयार नहीं होती है, ये सही काम करती है और इस विद्यालय का उदय चाहती है, हर बच्चे इस विद्यालय से कलेक्टर एसपी बन करके निकले, और यही मेरा मनसा है और मैं यही मेरा संकल्प है। अच्छा मैम, ये कह रहे हैं कि जैसे ये दवाई जो जलाया जा रहा था, नहीं जलाया जा रहा था, हम नहीं जान रहे हैं ये अगर जलाया, वो कोई अगर वीडियो बनाया तो खुद जलवाया है। नहीं, वीडियो जब आपके कैंपस, सुनिए ना मैम, वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं आपके कैंपस। हालांकि पूर्णिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले को जांच करने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बातें कही हैं, और तत्काल उन्होंने जांच का निर्देश भी जारी कर दिया है। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आए और छूट का लाभ उठाए, मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229, 9341505230। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH-31 मरंगा पूर्णिया में। यहां लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स मार्बल्स उपलब्ध है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सेनेटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर, शावर एक्सक्लोजर, बाथटब, स्टीम सॉल्यूशन एवं
कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन, तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NS 31 मरंगा पूर्णिया।